मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। एमपी बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके मुताबिक 12वीं के छात्रों को केमिस्ट्री में बोनस के 2 अंक दिए जाएंगे, वहीं 10वीं कक्षा के छात्रों को इंग्लिश में बोनस अंक दिए जाएंगे। दरअसल मूल्यांकनकर्ताओं की कमेटी ने सभी प्रश्नों की जांच की तो पाया कि 12वीं क्लास में केमिस्ट्री के 2 प्रश्नों में गलती मिली है। इसे लेकर ही मंडल ने तय किया कि छात्रों को बोनस अंक दिए जाएंगे। केमिस्ट्री के सेट ए का एक क्वेश्चन सिलेबस के बाहर से पूछे जाने वजह से 1 बोनस अंक मिलेगा, वहीं इंग्लिश सब्जेक्ट में ट्रांसलेशन में गलती होने की वजह से क्वेश्चन का अर्थ बदल जाएगा, इसी वजह से इंग्लिश सब्जेक्ट में छात्रों को 1 अंक का बोनस मिलेगा, वहीं 10वीं के छात्रों को इंग्लिश में बोनस अंक दिया जाएगा। बोर्ड ने अब इन पेपरों का मूल्यांकन कर रहे शिक्षकों को गलती में सुधार कर कॉपी जांचने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि अब तक 50% मूल्यांकन कार्य पूरा हुआ है, हालांकि मंडल ने 15 अप्रैल तक का टारगेट फिक्स किया हुआ है। 10वीं और 12वीं का परिणाम अप्रैल के अंत तक घोषित हो सकता है। बता दें कि 10वीं व 12वीं में करीबन 17 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं,